परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू का फैसला लिया है। बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। सभी बोर्डों के सचिव के साथ हुई बैठक के माध्यम से अभी बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान कर लिया, जिसको सुनकर छात्रों के होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें, ऐसा बड़ा फैसला छात्रों के हितों में लिया गया है कि छात्र खुशी से झूम उठे और सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस बड़े कदम की सराहना भी की जा रही है। आप सभी को बता दें, चाहे आप 10वीं के छात्र हो, 12वीं के छात्र हो, सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आप सबको बता दें कि करोड़ों छात्रों ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़े फैसले का ऐलान कर लिया है। आप भारत के किस राज्य व बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी हुई जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के विभाग से अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से किया जाएगा। 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें एमपी और बिहार की बोर्ड परीक्षाएं सबसे पहले लागू हो जाएंगी। आप सभी को बता दें कि एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न भी कम कर दिया है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को ही शामिल किया जाएगा, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर रहने वाली है। आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षा के तहत बड़ा फैसला ले लिया गया। सरकार ने स्कूलों को बड़ी गाइडलाइंस जारी की है कि 10 जनवरी तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करा लें, क्योंकि जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है और वहीं फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसके लिए समय बहुत ही कम रह गया है, जिसको लेकर छात्र अभी से ही डरे हुए हैं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे छात्रों के लिए सरकार का साफ कहना है कि बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो 10वीं के छात्र हो, 12वीं के छात्र, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले छात्र ही क्यों ना हो, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराया जाएगा और छात्रों को अच्छे से अच्छे अंक देकर पास किया जाएगा। 95% छात्रों को इस बार पास किया जाएगा, किसी भी परीक्षार्थी को फेल करने के आदेश नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको अपनी हैंडराइटिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है, साफ सुथरा ढंग से अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है, बना बना कर भी कैसे भी आपने क्वेश्चन को हल कर दिया है, तो भी आप अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी हैंडराइटिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। इसी प्रकार से सभी बोर्ड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर